मिस ज़हरा अंडर मिस अंडरस्कोर ज़हरा अंडरस्कोर मिस अंडरस्कोर ज़हरा खान अंडरस्कोर अंडरस्कोर ने सवाल मुझसे पूछा था दिल मुस्तर में मैंने अपने बेटे का देखकर मैंने अपने बेटे का नाम आफान रखा आप भी यहीं पकड़े गए आप इमरान अब्बास इंडियन फैन पेज दिल मुस्तर मेरा नाम आफान नहीं था आदिल था आतिफ अली ने मुझसे पूछा समन कोई नाम लिया कि आपके भाई भाई मेरा कोई भाई बहन चाचा मामा ताया कोई इंडस्ट्री में नहीं है इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई कज़न या कोई कोई मेरे नाम से आपको कह रहा है कि जी मैं उसका इमरान अब्बास का भाई हूँ कोई नहीं है मेरा भाई भाई दूर दूर तक कोई नहीं है वट्स योर अनोइंग हैबिट माई हैबिट तो नहीं लेकिन हाँ मेरी एक एक ट्रेट है मेरी पर्सनैलिटी का वो ये कि मैं भूलता बहुत हूँ नाम वाकई चेहरे लड़ाइयाँ किसी से अगर हो जाएँ मुझे भी याद नहीं रहता कोई मुझसे क्यों लड़ा था किसी ने मेरे साथ क्या बुरा किया था i'm very forgetful i um, at times i think it's a it's a blessing because um, you know forgetting things and oblivion is kind of a blessing in disguise because you start forgetting so many um, sad moments and very unpleasant things in your life which i think you shouldn't keep in in your mind you should learn from your mistakes but you shouldn't keep them in your mind forever uh, as a not let's call, उस ग्राह को खोल देना चाहिए और बस भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए सो so, बस ये वाली चीज़ है कि मैं भूलता बहुत हूँ और फिर मैं जब सामने कोई आता है तो मैं उससे याद ही नहीं आ रहा होता कि इसका नाम क्या है और मैं सलाम करके भी अक्सर भूल गया होता हूँ कि यार इसको मैं कैसे बताऊँ कि भाई आप कौन है आई डोंट नो यू और फिर जब याद आता है तो बड़ी शर्मिंदगी होती है फिर मैं कवर अप करने के लिए दो तीन दफ़ा उसका नाम लेता हूँ ताकि उस चीज़ को कवर कर सकूँ एंड लाइटेड डॉट ग्लिटर ने भी मुझसे सवाल पूछा है कि वट वट्स वन थिंग विच यू ऑलवेज वॉन्ट टू चेंज यू लाइफ आई थिंक दिस दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू चेंज इन माई लाइफ आई आई वॉन्ट टू बी सो फेटफुल आई वांट टू मोर क्या कहना चाहिए उसको क्या लफ्ज़ कहेंगे उसको याद याद बस मैं चाहूँगा मेरी मेमरी अच्छी हो यार क्या क्या सोच रहा हूँ मैं लफ्ज़ नहीं मिल रहा मुझे को ओके कभी आप सरगोदा आए अंडरस्कोर आई एम इमरा खान आई निमरा खान ओके okay, आई निमरा खान डॉट एक्स एक्स ने पूछा uh, मैं सरगोदा बिल्कुल आया हूँ जी सरगोदा के पास हमने एक सीरियल किया था थोड़ा सा इसको जूम इन कर लो हाँ जी सरगोदा के पास हमने एक सीरियल किया था असगरी अकबरी सो इट्स बिन मैनीयर्स नाउ बट याड लाइक वेरी गुड शूटिंग ओके वॉट इज़ द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ योर लाइफ विच इज़ इन येट एट मुझे मैंने पहले भी एक जगह मैंशन किया था और मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आ, एक एक ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ बुज़ुर्ग लोग हों और उनको मैं उनको एक घर उनको जिनको उनके पेरें बच्चे जो हैं उन पेरेंट्स को वो पेरेंट्स जिनके उनके बच्चे डिसोन कर देते हैं या अपने पास नहीं रखते और बड़े दुखी माँ बाप होते हैं या जिनके बच्चे होते ही नहीं है और बुढ़ापे में वो अकेले रह जाते हैं उनके लिए मैं एक ऐसी सैक्चुरी एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ वो हों और उनका मैं ख्याल रख सकूँ और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले उनको से बात करने वाला कोई हो मुझे बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छा लगता है बात करना मैं अक्सर जो है ना चला जाता हूँ ऐसी जगहों पे जहाँ बुज़ुर्ग बैठे हो मुझे मुझे अपनी एज के लोगों से ज़्यादा बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है सो so, वो uh, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ ये सवाल मुझसे पूछा था समियन रस्को इरफान इरफाम समी रस्को इरफाम इरफाम क्या नाम है यार गलत तो नहीं लिख दिया यार उनका नाम योर डेली डाइट रूटीन माई रूटीन आई कीप चेंजिंग माई डाइट रूटीन बट यूजली आई डोंट ईट पोस्ट सिक्स और सेवन मैं रात शाम के बाद नहीं खाता हूँ अगर बहुत लाइट मिल जाए उसमें काप्स ना हो मैक्रोस अपने मैक्रोज़ का ख्याल रखता हूँ कि किस में क्या चीज़ है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब आप एक सर्टन एज के बाद जब आप टीन नहीं रहते हैं जब आप ट्वेंटीज़ से निकल जाते हैं वहीं से आपकी जो है ना वो आपको ख्याल करना पड़ता है कि आप क्या खा रहे हैं सो माय ईटिंग हैबिट्स हैव बीन चेंज्ड कम्प्लीटली नाउ मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी से होती है ब्लैक कॉफ़ी से साथ ओट्स होते हैं या एग होता है आई यूजली डोंट ईट ऑयली फूड ग्रीसी फूड Um, और uh, चावल रोटी खाते हुए दस दफ़ा सोचता हूँ चीनी वाली चीज़ें नहीं खाता हूँ जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं जो सोडाज uh, होते हैं और कोक्स uh, नहीं आई डोंट वांट टू नेम एनी एनी ब्रांड या बट कोला ड्रिंक्स और जो चीनी जिसमें ज़्यादा होती है वो मैं नहीं लेता हूँ ओके um, okay. ये सवाल पूछा था मुझसे मैरी सिद्दीक वन टू थ्री माई फेवरेट को माय फेवरेट को स्टार जब मैंने आपको नाम बताए uh, आयजा हो गई सादिया खान सनम जंग सना जावेद सजल माया यस वो यस आई आई वर्क विद सरद गलानी लॉन्ग टाइम बैक शी इज़ आल्सो माय वेरी गुड फ्रेंड उसके साथ और जाले जाले सरदी के साथ भी मुझे बड़ा मज़ा आता बहुत असरों के लोगों के साथ काम किए हुए बट ये सवाल मुझे इमरान अब्बास डॉट स्ट्रफ ने पूछा था बट मेरे जितने भी अल्लाह के शुक्र है जिनके साथ मैंने काम किया है वो मेरे सारे बहुत ही अच्छी दोस्त रही हैं अपने अपने वक्तों में और अभी मैं उनसे रबते में रहता हूँ बट दीज आर माय वेरी फेवरेट को स्टार्स फेवरेट लेडीज फेवरेट फ्रेंड्स वट यू कॉल दैन Um, वाई डू यू नॉट अपेयर इन अवार्ड शोज़ अवार्ड शोज़ में इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आई डोंट फाइंड दैम इम्पोर्टेंट टू टू इन्वेस्ट माई टाइम मुझे वहाँ मैं इन्जॉय नहीं करता हूँ तो मैं फ़ायदा नहीं है किसी भी ऐसी जगह पर जाने का जहाँ आपको कोई मिलना कुछ मिल ना रहा हो uh, मुझे नहीं लगता क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि मुझे लोग पहचानें या जाने नहीं जानते तो ना जाने या पहचानते तो ना पहचानें लेकिन वहाँ जाके अपने आप को क्या जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा खुश नहीं हो रहे बात करके मिल और जो आपके दोस्त हैं इंडस्ट्री में अगर हैं तो वो आपको वैसे ही मिल जाते हैं और अवार्ड्स आपको खुद भी पता है कि यार यहाँ कितने सही होते हैं कितने नहीं होते आई एम ऑफ अ हु डजेंट इन्जॉय बींग इन दीज काइंड ऑफ गैदरिंग्स और जी टीज और अवार्ड्स और पार्टीज़ पता नहीं मुझे मज़ा नहीं आता हाँ अगर बहुत अच्छे की पैसे मिल रहे हों अलग बात है क्योंकि दिस माई एंड बटर सो आई वुड सटनली गो टू एन अवार्ड वेयर माई प्रेयर और उसके होता है अपनी सेल्फ आप यही कमाने का वक्त है फ्री uh, में मत जाया करो ये जी इट्स अंडर टी एच ट्वेंटी फोर ने आई थिंक आप भी इतफाक़ करेंगे इस बात से मुझ तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ इमरान स्कोर फॉर एवर ने कहा और आंखों का ऑपरेशन <laughs> ये उसी सवाल का हिस्सा है आ, मेरा ख्याल है हमें तो हर चीज़ में रब दिखना चाहिए हर हर खूबसूरत चीज़ में हर उसकी तख्लीक में आपको रब दिखता है उस वो मुखालिफ है उसमें कोई अजूबा नहीं है कोई अनयूजल बात नहीं है आ, वही सब उसने पूछा कि जी व्हाट इज़ द रीजन यू नॉट डूइंग एनी सीरियल आफ्टर थोड़ा सा हक मैंने आपको बताया कि जी आई आई एम बिजी विद माय न्यूली सेटअप एंड अबाउट और अबाउट टू सेटअप बिजनेस एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय मदर हेयर इन इस्लामाबाद एंड आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वेरी एक्साइटिंग विच हैज़ बिन ऑफर्ड टू मी लेटली सो दिस इज़ द रीज़न वेन आई फाउंड एनी इंटरेस्टिंग अगर जब भी मुझे अगर एक्सक्यू मिला होता बीच में तो मैं ज़रूर कर लिया कर चुका होता है सही बोले अगर मुझे हाँ अगर कुछ अच्छा होता तो मैं ज़रूर करता इफ आई वुड हैव फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग दिस कपल ऑफ मंथ्स लेटली ली और uh, बाकी यही वजह है ऑफिशियल रिहान फाइव सिक्स फोर ने पूछा तो जनाब ये सारी uh, कुछ सवाल सवालों की फ़ेरिस जो थी मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी ऊपर ऊपर बिल्कुल जो मुझे नजर आई थी अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ इसलिए कि आप लोग बहुत करीब से देख रहे हैं शायद मुझे तो जनाब दिस वॉज द रीजन दैट आई केम ऑनलाइन टूडे लाइफ टू आंसर योर क्वेश्चन एंड आई वुड कीप कमिंग अगेन एंड अगेन एंड प्लीज़ प्लीज इफ यू आर विलिंग टू बी नोटिस ऑफ़ यू विलिंग टू बी आंसर्ड प्लीज़ एक तो ये सवाल आप इतने क्यूट क्यों हैं हैंडसम क्यों हैं मतलब ये सारी ये आधे से ज़्यादा सवाल यही होते हैं और आप शादी कब कर रहे हैं और अपना फ़ोन नंबर दे दें व्हाट्सएप नंबर दे दें और इस तरह की चीज़ें प्लीज़ आप नाम से पूछिएगा और एक बंदा एक या दो सवाल से ज़्यादा ना करें क्योंकि फिर देखना मुश्किल हो जाता है और फिर मैं सारे उस एक बंदे के जो होते हैं ना जो भी एक प्रोफाइल के होते हैं फिर मैं सबको आगे कर देता हूँ क्योंकि मुझे होता है कि यार ये अनयूजअली सवाल किए चला जा रहे हैं और दूसरे भी जो सवाल करना चाहते हैं उनका ये हक मार रहा है सो प्लीज़ अवॉइड आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चन फ्राम द सेम आई डी एंड या दिस ऑल फॉर टुडे एंड आई बी कनेक्टेड अगैन आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन